आज मैं आंवला की कैंडी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आंवला ले लेना है सबसे पहले। अब इसे हम पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे, दो तीन पानी से आंवला अच्छे से धो करके साफ़ करके ले ली हूँ। गैस पे एक कढ़ाही ले लेना है, इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। अब इस कढ़ाही के ऊपर हम ये जाल वाला थाली रख देंगे। अब इसमें सारी आंवला डाल देंगे। अब हम इसे ढक्कन से ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुकी है, तो अब हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। तो देखिए अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तो इतना हमें स्टीम कर लेना है इसे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम साइड में अभी रख देंगे। तो आंवला ठंडी हो गई है, अब इसके हम एक एक कैंडी निकाल देंगे, अलग कर लेंगे, तो ये आराम से निकल जाएगी। तो ऐसे हमें निकाल करके सारी आंवला ले लेना है। तो इतना हम उबाल लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी, बीज हटा देंगे और सारी हम कैंडी इसमें से निकाल लेंगे। सारी आंवला की बीज निकाल करके कैंडी अलग कर ली हूँ, तो ऐसे अलग करके हमें ले लेना है। पहले गैस पे एक कढ़ाही ले ली हूँ, इसमें हम आधी कटोरी चीनी डाल देंगे और इसी कटोरी से हम आधी कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए चाशनी तैयार कर लेंगे। इसमें इलायची डाल देना है दो कूट करके, तो इलायची का पाउडर उतना अच्छा नहीं लगेगा, इलायची कूट करके डालेंगे तो इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट कैंडी में होगी। कैंडी में बहुत ही अच्छा इलायची का टेस्ट आया फ्लेवर। तो अब इसे हम चलाते हुए चाशनी तैयार कर लेंगे पहले। तो देखिए चाशनी बन के तैयार हो गई है, तो गाढ़ी चाशनी चाहिए हमें इसके लिए। तो देखिए तार जैसे बन रही है और बिल्कुल ये देखिए चिपचिपापन, ये तार जैसे बन रही है। तो इतना हमें बना लेना है, इतनी गाढ़ी। अब इसमें हम सारी कैंडी डाल देंगे। और इसे चलाते हुए हमें पकाना है ताकि कैंडी में अच्छे से चाशनी चारों तरफ से लग जाए। आँच धीमी रखनी है, धीमी आँच पे हम इसे चलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए हमारी ये कैंडी बनके तैयार हो गई है, एक भी चिपकी नहीं है, अलग से खिली खिली बनके ये तैयार हुई है। अब हम गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने पे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी अच्छे से। तो बस हमें इतने ही इसे पकाना है। तो देखिए एक भी नहीं चिपका है, अलग अलग है। तो मेरे तरीका से एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आंवला कैंडी बनके तैयार हो गई है, ठंडा होने पे ये वाइट वाइट जैसा थोड़ी सी हो गई है। तो बहुत ही अच्छी है बनके तैयार हुई है, देखिए चिपचिपाहट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बार मेरे तरीका से ज़रूर बनाइएगा आप लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ये आंवला कैंडी बनके तैयार हो गई, देखिए बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है। हमरा पत्ते छला ऊपर हो गया, करा जावे बढ़िया से नहीं जोड़े के इतावे जेट दे।